जिस समय महाराज परीक्षित जी ध्यान करते हैं तो वो लड़की जो थी सरस्वती आज कामदेव सवार था ब्रह्मा जी के ऊपर। ध्यान रखना, जब काम सवार होता है तो कितना कर सकता है, ये लिखा है भागवत जी में। क्या सुनो भूप धरी ध्यान, अरे भाई वो किस मिति की रहती, सब बिछोना जी तैयार है, मां बिछवा लो पीछे जमीन पर काई दुबे ढारे हो सब नो नहीं जाओ करो। अरे भाई शरीर से जो 10 संत पैदा हुए थे, वो 10 ऋषि जब सामने आए उस समय वो लड़की रो रही थी तो महात्माओं ने पूछा ये लड़की कौन है। वो सरस्वती बोली कि मैं इन्हीं ब्रह्मा जी की लड़की हूं। ध्यान रखना, संतों ने लज्जित किया तो लड़की का हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को लज्जा इतनी लगी कि बीच में से शरीर फट गया, दो भाग हो गए शरीर के। और जब वो दोनों भाग हुए तो रूप क्या बना, एक रूप के भय परमहंस ने कथा उचारी
के शरीर के दो भाग हो गए, दाया अंग बना स्वामभू मनु और बाया अंग बना मैया शत्रुपा। और जब एक नर और नारी बने हैं, ध्यान रखना, तो उन दोनों के संयोग से पैदा कौन हुआ? कौन? और प्रियव्रत और लड़की क्या भाई? तीन सूति और आकूति। देवहूति करदम ऋषि को ब्याई, प्रसूति महाराज दक्ष को ब्याई, आकूति रुचि प्रजापति के लिए ब्याह दी। ध्यान रखना श्रोता बंधु, देवहूति जो करदम ऋषि के लिए ब्याही थी, उस देवहूति मैया के उदर से पैदा कौन हुआ? कौन? आज उन दोनों के नाम से दुनिया जानती है, विश्व जानता है। ध्यान रखना, उठना बैठना सोना जागना खाना पीना सही बताइए जाए तो वो पशु कर रहे हैं, लेकिन पुराने बुजुर्गों की कहावत है मरना तो सबको है, मरे पर कछु करे मरे, मरना तो सबको है, अरे मरने के बाद ऐसी याद रह जाए जैसे मरने के बाद भी लोग तुझे रास्ता में याद कर ले। खानो पीनो उठनो बैठनो सोनो जागनो जाए तो पशु कर रहे हैं। ध्यान रखना, भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है मानव शरीर बनना, मानव शरीर मिलना। तो आज उनके संतान कौन हो, कैसे? अरे जन्मो ही कपिल भगवान के 24 अवतारों की जो कथा आती है उनमें कपिल भगवान का अवतार शामिल है। बोलिए कपिल भगवान की। राजा दक्ष के लिए जो प्रसूति ब्याही थी उसके 60 कन्या पैदा हुए, 60। श्रोता बंधु, बेटी में और बेटा में अंतर कितना होता है? आज एक विचार देखा है तुमने? परीक्षा जी दुनिया में तुम नजर करियो, एक ही बात पैदा मिले ही तुम्हें कि लड़का तो है जाए द्वे और लड़की है जाए बोलो जय करता सबको। अब जब आता नहीं कहा आगे बढ़ा के ले जाओ,
कि जब प्रत्येक के घर में दो लड़का होता और एक लड़की होता तो एक की शादी कहां तक हो गई, गणित बिगड़ जाएगा। लेकिन सुनो, बाप की कमाई जितनी भी होती है, चाहे वो मैं सही चाहे आप सही, बेटा कहता जा पे तो मेरो पूरा अधिकार हुआ, राजीते दे दे चाहे लटते दे दे, ले ही कहां जावे हो, है ही मेरा। लेकिन सुनो, बेटा और बेटी में अंतर बता रहा हूं, सब बिटियां ध्यान से सुनो, बेटी तुम्हारे मतलब की बात है, अगर अच्छी लगे सब बिटियाओं को तो ताली बजा देना, क्योंकि दुनिया में सब यही चाहते हैं कि लड़की है जाए एक और लड़का है जाए दो। तो सुनो, बाप जब नौकरी करता है दूर,